आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड में अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो या कुछ भी अगर आपने अपडेट कराए हैं, तो फाइनली आप कैसे पता करेंगे कि हमारे आधार कार्ड में अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि आधार कार्ड में नाम को चेंज होने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप ही अपने आधार कार्ड में अगर आप अपना नाम अगर आप चेंज करवाते हैं तो फाइनली आपको अपने नाम को अपडेट होने में, दोस्तों यहाँ पर फाइनली यू आईडिया के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम दोस्तों यहाँ पर फाइनली 7 दिन का दोस्तों अपडेट होने में यहाँ पर फाइनली टाइम लगता है अपने आधार कार्ड में। उसके बाद दोस्तों फाइनली 7 दिन के अंदर में जो आपका आधार कार्ड में दोस्तों नाम है वो फाइनली अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों आप जान गए कि आप अपने आधार कार्ड में नाम को चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि अब यहाँ पर फाइनली डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ फाइनली अगर आप भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप अपने आधार कार्ड में अगर आप यहाँ पर अपडेट करवाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ को अपडेट होने में दोस्तों यहाँ पर फाइनली कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों हम आपको फाइनली बता दें तो डेट ऑफ बर्थ को अपडेट होने में फाइनली आपके आधार कार्ड में दोस्तों 7 से लेकर 10 दिन तक आपको समय लग सकता है आपके अपने आधार कार्ड में यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाने के लिए। तो दोस्तों आप जान गए कि डेट ऑफ बर्थ और नाम को अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि अगर आप जेंडर अगर आप अपने आधार कार्ड में चेंज करवाते हैं तो उसमें आपको फाइनली कितना दिन का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनली हम आपको बता दें तो अगर आप यहाँ अगर अपना जेंडर अगर आप बदलवाते हैं तो फाइनली आपको यहाँ पर जेंडर को भी चेंज होने में दोस्तों फाइनली 7 से 10 दिन का टाइम फाइनली लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर फाइनली 15 दिन तक का भी आपको जेंडर अपडेट होने में वहाँ पर फाइनली टाइम लगता है। तो दोस्तों आप जान गए कि यहाँ पर फाइनली जेंडर, उसके बाद नाम और डेट ऑफ बर्थ अपडेट होने में कितना टाइम इसमें लगता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि फाइनली कि हम अपने आधार कार्ड में अगर आप एड्रेस अगर आप अपडेट करवाते हैं तो एड्रेस को उसमें अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों एड्रेस को भी अपडेट होने में दोस्तों यहाँ पर फाइनली 7 से लेकर 15 दिन तक का समय लगता है हमारे आधार कार्ड में अपडेट होने में। दोस्तों अगर आपको 15 दिन के अंदर में अगर एड्रेस अगर अपडेट नहीं होता है तो दोस्तों आप चाहेंगे तो उसमें दोस्तों UIDAI के द्वारा यह भी बताया गया है कि 3 मंथ तक का भी समय एड्रेस को अपडेट होने में यहाँ पर फाइनली लगता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि अपने आधार कार्ड में अगर हम फोटो अगर अपडेट करवाते हैं तो फोटो को अपडेट होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों अगर आप भी कभी भी अगर आप फोटो अपडेट करवाइएगा तो फोटो को अपडेट करने में होने में दोस्तों फाइनली उसमें मिनिमम 10 दिन तक का समय लगता है अपने आधार कार्ड में फोटो को अपडेट होने में। तो दोस्तों आप फाइनली जान गए कि फोटो को भी चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट होने में हमारे आधार कार्ड में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों हम आपको फाइनली बता दें कि अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट करवाते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट होने में दोस्तों फाइनली 7 दिन का समय लगता है। दोस्तों 7 दिन के अंदर में ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोस्तों फाइनली अपडेट हो जाता है।